उज्जैन में पेंशन एसोसिएशन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन के आह्वान पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ इनका गुस्सा फूटा और सभी ने प्रशासनिक संकुल भवन के बाहर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को प्रदेश के 4.5 लाख पेंशन की मांग रखते हुए उज्जैन जिले के पेंशन बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे, जिसमें रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर जैसे अधिकारी मौजूद थे। पेंशन की निरंतर अपेक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग हुए करीब 20 वर्ष हो गए, इसके बाद भी बहानेबाजी कर रही है सरकार। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर नारायण सिंह राठौर ने बताया कि मांगों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे पेंशन में घोर असंतोष व्याप्त है और वे आर्थिक तंगी, बदहाल का जीवन भी जी रहे हैं। पेंशनर ने कहा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच आपसी सहमति की अवैधानिक परंपरा को बंद कर पेंशन को तत्काल लाभ दिया जाए। कार्यक्रम में हमारा जो मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन है, उसके आह्वान पर उज्जैन जिला पेंशनर संघ की शाखा के द्वारा अभी सुबह से यहाँ पे धरना दिया गया था और एक मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसको कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को भेजा है। उसमें हमारी ये मांगे हैं कि जब जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना TADA जो भी बढ़ाती है, उसी अनुपात में जो पेंशनर है हमारा भाई लोग, उनका भी उसी अनुपात में और उसी समय बढ़ाया जाए। और जो ये बार बार बोलते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ से हमको अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन ये तो एक सरकारी प्रक्रिया है भाई। आज हमारे प्रदेश को अलग हुए करीब 10-15 वर्ष हो गए, 20 साल हो गए हैं, तो हमारा मांग एक धारा जो 49 बनाई गई है, इसके कारण बार बार बहानेबाजी जो मध्य प्रदेश सरकार करती है, उसको ख़त्म किया जाए और पेंशनरों की जो भी मांगे हैं उनका उचित समय पर निराकरण जाए। अगर ये हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो फिर हमारे मध्य प्रदेश जो हमारा पेंशनर संघ है, उसके आह्वान पर जो भी वो हमें कार्यक्रम या रूपरेखा देगा, उसके अनुसार हम फिर आगे आंदोलन करेंगे।